हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर पाइथन में हमने एक टेक्स्ट फाइल बनाई है जिसमें लिखा है ए हॉर्स इज रन अवे, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है वी आर रनिंग, और फिर यहाँ लिखते हैं कुछ वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट ई एल ए वाई, यहाँ ए रहेगा, प्लेइंग क्रिकेट सी आर आई सी के ई टी। तो ये लिख दिया, ये कुल मिला के तीन लाइनें हमने लिख दी। और भी लाइनें हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए लिख देता हूँ He is a boy, ठीक है। इस तरह से और भी लाइनें आप दे सकते हैं। तो कुल मिला के चार लाइनें हो गई हैं, और इसको सेव किया मैंने story.txt के नाम से, txt के नाम से, ठीक है। तो एक बार और दिखा देता हूं, ये देखिए story.txt के नाम से सेव किया है, और बाय डिफॉल्ट लोकेशन ही इसकी रहेगी, ठीक है। तो यहां पर ये इस नाम से सेव कर दिया हमने, देख सकते हैं, और ये बाय डिफॉल्ट लोकेशन पे ही सेव रहेगी, ये बात याद रखिएगा। ये जो डिफॉल्ट इसकी लोकेशन है वहीं पे आप इसको सेव करेंगे, ठीक है। यहां पर ये कोड आप टाइप कीजिएगा, फाइल इज इक्वल टू ओपन। अब मेरे फाइल के केस में मेरे फाइल का नाम है story.txt, ये देख सकते हैं यहाँ पे story.txt के नाम से अभी मैंने सेव किया, और यहाँ पर इसका नाम हमें story.txt तो दे ही दिया है, यहाँ पर हमें story.txt ही रखना है। जो नाम आपने दिया होगा वही रखना है। फिर लाइन अंडरस्कोर काउंट किया, पहले मैं इनिशियलाइज किया तो पहले जीरो रहेगा, और फिर एक एक करके ये बढ़ेगा। यहां पर इफ लाइन इज नॉट इक्वल टू लिखा मैंने, अगर लाइन नॉट इक्वल टू है मतलब बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू का साइन है ये, यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा दिया तो लाइन चेंज हो जाए, ठीक है। और यहाँ लाइन अंडरस्कोर काउंट, और यहाँ प्लस इज इक्वल टू वन लिखा, यानी एक जुड़ जाए, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं, और यहां पर फाइल को क्लोज कर दिया, और फिर लाइन अंडरस्कोर काउंट को प्रिंट करा दिया। तो इसको सेव करते हैं एक बार, देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर बाय डिफॉल्ट लोकेशन पर ही मैं इसे सेव कर रहा हूं, तो इसे किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं। तो ये किसी भी नाम से सेव करके, और यहां पर इसे रन करवाने की जरूरत है तो यहां से आप रन करवा लेते हैं। तो जैसे ही रन करवाया तो यहां पर देखिए, यहां पे फोर आ रहा है। कितनी लाइनें हमने लिखी थी वो आपको दिखा देता हूं एक बार, यहां से चल के ये देखिए, यहां पर एक दो तीन चार लाइनें है ना। अगर मैं एक लाइन बढ़ा देता हूं, ठीक है, जैसे मैंने लिखा सचिन इज प्लेइंग पी L A Y I N G, ये प्लेइंग लिख दिया। अब ये चार लाइनें हो गई, तो चार लाइनें ये काउंट करके हमें देगा, सेव किया और यहां से रन करवाया। कि ये टेक्स्ट फाइल है, पाइथन की फाइल नहीं होगी, तो यहाँ पर एज ए टेक्स्ट फाइल आप सेव कीजिएगा, ठीक है। अब ये सेव हो जाएगा, तो ये सेव हो गया। अब हम एक बार अपना पुराना कोड जो है इसको फिर से चलाते हैं, जो पुराना कोड हमने लिखा था, ये देखिए ये वो कोड है। यहां पर फाइल का नाम देना जरूरी है, ठीक है। तो फाइल का नाम है story.txt, और यहां पर इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ये रहा इस तरीके से, और यहां से आप इसको रन करवा लेते हैं। तो ये रन करवाया, रन करवाएंगे तो लाइनें कितनी प्रिंट हो रही है देख सकते हैं, फाइव लाइन प्रिंट हो रही है, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा तो जोड़ दिया। यहां पर देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा एक हमने जोड़ दिया इसमें, ठीक है। अगर हम एक और एक्स्ट्रा लाइन जोड़ देते हैं, लाइक यहां पर लिखा काइट, ठीक है, ये काइट लिख दिया, केवल काइट लिख दिया। अब यहां पर इसको सेव कर देते हैं, अब उसी कोड को दोबारा से चला देते हैं। तो यहां पर ये हमारा कोड है, और इसको हम दोबारा से यहां से रन कर देते हैं, तो ये रन कर दिया, तो ये अभी सिक्स आ जाएगा। तो लाइन को काउंट करना है तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है।